सरकार को किसी आम आदमी की वोट की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्योंकि क्योंकि इनके पास तो मशीन है। और मैं ये कहना चाहता हूँ विपक्ष से, ख़ास तौर से अपने विपक्ष से, कि इसके लिए बिल्कुल जागरूक हो जाए विपक्ष, वरना तो किसान भी और विपक्ष भी सब सड़कों पर फिरेगा। इस सरकार ने कुछ नहीं करा, इस सरकार से तो कांग्रेस भी अच्छी थी भाई। इतनी उम्मीद थी कि भाई नए प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आएंगे, मान लो एक सरकार चली आ रही थी कांग्रेस की, जैसे बहुत पुराने ज़माने से वो यूँ की तू ही चलती आ रही थी कि भाई एक नया मामला हमारे मुल्क के अंदर आएगा तो कुछ नया करके दिखलाएंगे, ये नया करके दिखला कि हम सड़कों पर पड़े। दोस्तों नमस्कार, मैं गाज़ीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हूँ। गाज़ीपुर बॉर्डर पर इस वक्त ये आलम है कि आंदोलन अब थोड़ा खाली होता हुआ दिख रहा है। खबर ये सुबह भी आई थी मुख्य मीडिया चैनल्स पर कि अब गाज़ीपुर का आंदोलन हो, सिंघू बॉर्डर का आंदोलन हो, कहीं ना कहीं खाली हो रहा है, लोगों की कमी हो रही है। इसी के सवाल को लेकर आज मैं यहाँ कुछ लोगों से बात करने आया हूँ। आपका नाम बताइए। शाहनवाज। कहाँ से आए आप? मुजफ्फरनगर से। आपका? मुजफ्फरनगर से मुनज़्ज़र पहलवान। आप ये बताइए कि गाज़ीपुर में, अभी मैं ऊपर से भी होके आया था, काफ़ी खाली लग रहा है, लोगों की जो मात्रा है वो कम होती जा रही है दिन? नहीं, खाली तो नहीं लग रहा, खाली तो इसलिए आपको दिखाई दे रहा है कि एक तो आंदोलन की तो यही गतिविधि होती है, जो होता है जो चल रहा है। अब किसानों का मामला है, मान लो फसल उनकी तैयार हो रही है, पानी देने हैं, गन्ना गिर रहा है, तो इस हिसाब से चल रहा है हल्का। जब जरूरत पड़ेगी फिर एकदम तैयार हो जाएंगे आदमी, तो दो घंटे के अंदर फिर भीड़ कितनी चाहे इकट्ठी कर लो यहाँ। अच्छा, हाँ बहुत भीड़ हो जाएगी। तो आप किस चीज़ की खेती करते हैं? मुझे, हम गन्ने की करते हैं, गेहूं की करते हैं, धान की करते हैं। इस वक्त किस चीज़ को उगा के आए हैं? इस वक्त अब हमारा गेहूं चल रहा है, गन्ना चल रहा है, ये खेती अब हमारी चल रहा है, गन्ने की छुलाई चल रही है, वो जा रहा है मिलों पे, कोलुओं पे चल रहा है। तो जिला मुजफ्फरनगर में MSP की क्या हालत है मुझे? MSP जिस पर खरीद करती है सरकार आपके गेहूँ धान वान को? MSP तो नाम मात्र है, MSP पर कितना खरीद होता है? 6% खरीद करती है गवर्नमेंट। अच्छा, और बाकी तो सब जो है ऐसे ही जाता है प्राइवेट में, उसकी कोई वही नहीं है अपना, किसी भी हिसाब से खरीदो प्राइवेट वाला, कोई रेट लगाओ किसी रेट से लगाओ, तो MSP तो नाम मात्र है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इस पर MSP पर कानून बना दो, MSP से नीचे कोई खरीद ना हो। सरकार कह रही है MSP थी, MSP है और रहेगी। नहीं, MSP थी, MSP है, तो उस पर कानून बना दो ना, कानून बनाने में क्या दिक्कत है? बात पर विश्वास नहीं आपको? नहीं नहीं, कोई भी सरकार का तो कोई विश्वास है ही नहीं इसका, किसी भी मामले में आज तक जब से सरकार बनी है कोई इसका मामला सही नहीं है। सहारनपुर में प्रधानमंत्री जी गए थे और उन्होंने जाके ये कहा था कि हम 14 दिन में गन्ने का पेमेंट कराएंगे। अच्छा। और अगर 14 दिन से लेट हो जाएगा, 2 दिन 4 दिन भी, तो मैं ब्याज के पैसा देंगे। अब वो ब्याज तो क्या मूल भी नहीं जा रहा, पिछले साल का दिया गया, अभी जो 1.5 साल आधा साल ही पूरा होने जा रहा करने का। हाँ, एक एक साल लेट होती है पेमेंट करने का, एक एक दो दो साल लेट हो रही है। और पर्ची पे भी जो मूल्य है वो जीरो आता है, पर्ची पे जीरो आता है, रेट का कोई पता नहीं क्या रेट लगाएंगे, तो बाद में उनकी मर्जी क्या लगा दें, वो जीरो जीरो लिखा आता है पर्ची पे। तो सरकार का कोई, सरकार का तो कहीं से कोई मामला समझ में नहीं आ रहा कि कब किस वक्त में क्या कह दे कैसे कर दे, इसका कोई वो नहीं है, इस पर विश्वास नहीं करा जा सकता, ये हालात है सरकार के। अच्छा, किसान आंदोलन का समर्थन करना क्या देशद्रोही माना जाएगा? नहीं, देशद्रोही क्यों माना जाएगा? कई लोगों को जेल में डाल दिया गया, कई कल 22 हाँ साल की एक लड़की को गिरफ्तार किया। हाँ, तो सरकार ये गलत काम कर रही है बिल्कुल। तो ये इस सरकार को सोचना चाहिए भाई, किसान तो सड़कों पर पड़ा, आज 3 महीने हो गए हमें पड़े पड़े हैं यहाँ। इस सरकार को यूँ नहीं दिख रहा कि किसान कैसा पड़ा, कितने यहाँ कितने आदमी मर गए, यहाँ 200 आदमी मर गए किसान, और सरकार करती है जनका कहाँ की बात। भैया किसान तो परेशान है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। हाँ, सरकार को सोचना चाहिए यह बात। देखो सरकार तो ताना सही चल रही है, ताना सही कर रही है सरकार। सरकार किसी की बात नहीं माननी, और सरकार का ना मानने का मैं आपको एक और बहुत बड़ा वो बतलाता हूँ कि इसकी वजह क्या है। सरकार को किसी आम आदमी की वोट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। क्योंकि क्योंकि इनके पास तो मशीन है। और मैं ये कहना चाहता हूँ विपक्ष से, ख़ास तौर से अपने विपक्ष से, कि इसके लिए बिल्कुल जागरूक हो जाए विपक्ष, वरना तो किसान भी और विपक्ष भी सब सड़कों पर फिरेगा। अच्छा, जब तक के मशीनों पे कंट्रोल नहीं करा जाएगा किसी। अब एक बात, कितना बड़ा आंदोलन है, देश भर में आंदोलन हो रहा, कोई सरकार किसी चीज़ को देख रही है, गौर कर रही है? हमने सरकार, किसानों ने तो बनाई सरकार, आज इस कंडीशन में है, कोई किसानों को जो है नज़रअंदाज कर रही है, कोई मामला नहीं किसान की तरफ से उनके दिमाग में। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि मशीन है उनकी तो वोटिंग, हमारी वोट की जरूरत नहीं है, उनकी मशीनों से वोटिंग है। तो अगर मशीनों की दिक्कत है तो ऐसे तो 15-20-25 साल BJP रहेगी उसमें पावर में, लग तो ऐसा ही रहा है। अगर ये मशीनों का मामला चलता रहा, इसका पता कुछ नहीं कितने दिन रह जाए।
हमें तो यही लग रहा है कि हमारी वोट की जरूरत नहीं है, हमने कितने उत्साह के साथ इसको वोट दिया, सरकार हमने बनवाई। अच्छा, उम्मीदें बहुत थी वैसे मोदी जी से? बहुत उम्मीदें थी सरकार से, इतनी उम्मीद थी कि भाई नए प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आएंगे। मान लो एक सरकार चली आ रही थी कांग्रेस योगी जी ने बहुत पुराने ज़माने से, वो जू की तू ही चलती आ रही थी कि भाई एक नया मामला हमारे मुल्क के अंदर आएगा तो कुछ नया करके दिखलाएंगे। ये नया करके दिखला कि हम सड़कों पर पड़े, हम सड़कों पर मर रहे, हम सड़कों पर हमारे बच्चे जवान और हमारे जवान उस पर बॉर्डर पर लड़ रहे, हम यहाँ परेशान कर रखा। ये सरकार ने तो इतने झूठे वादे करे हैं कि 15-15 लाख रुपए आओगे, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, तुम्हारा पेमेंट टाइम पर होगा, तब मैं SNP पे कानून बनाऊंगे। इस सरकार ने कुछ नहीं करा। इस सरकार से तो कांग्रेस भी अच्छी थी भाई। अच्छा, कांग्रेस अच्छी थी? हाँ, कांग्रेस अच्छी थी। तो यो तो बिल्कुल तो मामला बिल्कुल इसका तो यही लग रहा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम जो जैसे कि मिसाल देख रहे हैं लोग के भी जो रोया पुराने को रोया, हमें ऐसा लग रहा पुराने अच्छा दिखे था हमारे हिसाब से तो अभी तो अन्य। हमने तो बड़ी उत्साह के साथ बड़ी हैकड़ी के साथ जो है वोटिंग करा भाई, पूर्व बहुमत से दो बार बनवाई कि कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, कुछ मुल्क के अंदर कुछ नया सरकार करके दिखाएगी। अब हमें तो पता नहीं था कि ये नया करके दिखलाया जाएगा जो हमारे साथ अब हो रहा। हम सड़कों पर पड़े मर रहे हैं सड़कों पर, सरकार को कोई परवाह ही नहीं है। बातचीत चल रही थी तो बातचीत का भी रास्ता काट दिया, उसको भी ख़त्म कर दिया। अब बार बार कह देते हैं कि जो तुम बात करो, हम कह रहे नंबर दो कोई बात करने के लिए। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता टिकैत साहब कहते हैं वो हमारा नंबर दो जिससे हम संपर्क करें। अब ऐसे ही तो किसी घर में जाकर पढ़ नहीं सकता आदमी, ऐसे ही अगर हम किसी घर में जाकर पढ़ के उन्होंने कहा भागो यार तुम, क्यों कोई घर वाला कुछ तो कम से कम बाहर तक कुंडी खटखटाई कुछ पता तो लगेगा कि भाई हाँ आ जाओ। तो अभी ये सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है, परेशानी का एक आलम बना रखा है सरकार ने, तो बताना सही है। आप बताइए मुझे, अब गर्मी का मौसम आ रहा है, पसीने भी आ रहे हैं और 10-15 दिन में खूब धूप हो जाएगी, बहुत बढ़िया गर्मी हो जाएगी, उस वक्त आपके लोग अपने आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए इतनी ज़बरदस्त सर्दी हुई है, यहाँ बारिशें भी हुई हैं, सब कुछ हुआ है, कोई किसान कोई टला थोड़ा ही है। किसान आंदोलन बराबर चल रहा है, दिक्कतें भी आई हैं, सब कुछ आता है, आंदोलन चलता है तो दिक्कतें भी आती हैं। भरपूर गर्मी होगी तो उसमें भी रहेंगे ऐसे जैसे रहते थे, नहीं ये तो हमें आदत पड़ी हुई है। दूसरी बात ये है कि जैसे आपने कहा था कि भाई MSP के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है, देखो भरोसा दिलाया है, भरोसे पे देश नहीं चलता, कानून से देश चलता है, भरोसा दिलाने से कुछ नहीं होता। अच्छा, मुख्यधारे मीडिया तो कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की बातों पर भरोसा कर ले किसान, नहीं भरोसे पे देश चलता तो नहीं है ना, कानून से देश चलता है, भरोसे पे नहीं चलता देश। कानून बनाइए, प्रधानमंत्री जी को कहे कानून बनाओ MSP पे, कानून क्यों नहीं बना? भरोसा भी तो एक उसी इंसान का तो करा जाता है जिसने एक आध बार किसी बात को कहा, एक आध बार नहीं माना फिर उसने कहा फिर मान लिया, ये तो मानते ही नहीं। इन्होंने माना क्या आज तक बताओ? आज तक जितने वादे सरकार ने करे सारे तो खोखले इसके वादे, अगर एक आधा कर दिया होता तो यकीन भी कर लेते भाई न जाना ऐसा हो जाए, लेकिन कोई जब सारे ही वादे इसके खोखले हैं। अच्छा, वो तो संसद में खड़े होकर बहुत चीज़ें गिनवा रहे थे कि मैंने किसानों की आय दुगनी कर दी, मैंने रिपोर्ट, झूठ बोल रहे हैं, झूठ झूठ के सिवा दूसरा काम न करा आप लो। इस सरकार ने मोदी से सब ज्यादा झूठ बोल रहे हैं यार। अच्छा, हाँ उन्होंने अब तक जो झूठ ही बोला, बताओ एक भी बात ऐसा जो हो, कड़ा धन मंगवा देंगे देश में, कड़ा धन आ जाएगा, नोटबंदी कर दी, GST कर दी, सर आदमी लाइन में है जब सु, बड़े खुश हो, हम तो लाइन में है जब सुई। अच्छा, हाँ किसान भी और मजदूर भी सब जनता लाइन में है, और भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया, 2 रुपये काम को चलो रिश्वत 500 मांग गए अब। अच्छा, आप लोग किसान हैं, आप लोग भी अभी कर्ज में दबे हुए हैं कहीं ना? हाँ बिल्कुल, कर्ज में तो किसान दबा हुआ ही है, कर्ज में ये आंदोलन चल रहा है, कर्ज में दबा के चल रहा। अच्छा। हम अपने ट्रैक्टर इकट्ठा, हम गांव से आए हैं, डेली कुछ सामान भी राशन लाए हैं, तो अपना पैसा इकट्ठा कर रखा, क्रेडिट कार्ड बनवा रखे, वहाँ से लोन काट के पैसा खर्च कर रहे हैं हम यहाँ। हम तो कर्ज में डूबे पड़े, ये कानून ऐसे बना दिए हम तो बेकार हो जाएंगे बिल्कुल। ये तो सरकार ने हमारी हत्या का काम कर दिया बिल्कुल, बाहर से फंडिंग बताई जा रही है, हम अपना लूट लिए पिट लिए, और हमें जो है कहीं नक्सलवादी, कहीं खालिस्तानी, कहीं पाकिस्तानी, इस तरह से बताया जाता है। एक तरह से सरकार हमारा मजाक उड़ा रही है। तो परजीवी भी कहती है अब तो आपको? हाँ फर्जी कह रही है हमें, परजीवी 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 किसे बोलते हैं? परजीवी कह दिया किसान, अब ये मान लो हाथ ना पैर, जिसका हाथ ना पैर, मजाक हम हाथ पैर वाले ना भैया परजीवी हैं हम। हाँ परजीवी की तो जानकारी होगी, जब हम बैठाना जानते हैं मोदी को तो उतारना भी जानते हैं। अच्छा। हाँ जी, परजीवी की तो जांच आगे चल के पड़ेगी कि क्या होगा। पर अभी तो इन साहब ने कहा कि मशीन के दम पे वो जीतते रहते हैं। मशीन नहीं, अब जो है वैसे पेपर पे होकर आएगा। अच्छा पेपर पे हो, इसका भी आंदोलन कहीं ना कहीं बिल्कुल चलेगा, इसका आंदोलन चलेगा बिल्कुल, ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होगा। किसान तो कोई वोट करे ही ना, सब मशीन फेंक फेंक दी जाएगी। 80% तो किसान है, फिर मजदूर तब कर रहा,
इसने तो फांसी मजदूरों के किसानों को सभी की लगा रखी है, इसमें तो सब एक साथ हैं। अब कोई अलग नहीं है, ना कोई जाति धर्म है ना कुछ है, सब एक साथ है। अच्छा, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, अभी बंगाल में चुनाव है, आप लोगों को पता है, अमित शाह ने वहाँ ऐलान किया है कि अगर उनकी पार्टी वहाँ जीत जाती है तो हर व्यक्ति के अकाउंट में 18,000 रुपये डाले जाएंगे। वो ऐसा है, मैं बताऊँगा, जैसा अभी यहाँ पब्लिक पे हाथ धर के इन्होंने झूठ तूफान बोल के और यहाँ गुमराह कर ली यूपी जो है या हरियाणा, तो ऐसे ही वहाँ गुमराह कर रहे हैं ये। जब उनकी भी आँख खुल जाएंगी, उन्हें भी जानकारी हो जाएगी, वे भी आंदोलन में खड़े हो जाएंगे, तो इनका सब जगह से सुपड़ा साफ हो जाएगा। 15-15 लाख रुपये मारे भी तो आने थे, वे ना आए, अब लोग इनकी ना आए ना, बाट देख रहे हैं। डीजल आज सुनो, डीजल का रेट आज 80 रुपये लीटर यूपी में है, मैं सभी ट्रैक्टर में गिरवा गया, कई राज्यों में हो चुका, यहाँ भी 80 रुपये लीटर है आज का भाव, सभी ट्रैक्टर में गिरवाया था मैंने मिल में साथी दफे। तो खाद पे, बीज पे, हर चीज़ पर रेट बढ़ते जा रहे हैं, गन्ने की फसल का भुगतान नहीं, साल भर हो लिया कोई भुगतान नहीं, रेट भी अभी बढ़ना शुरू नहीं हुआ, कोई पैसा बढ़ाते नहीं, तो किसानों की तो विरोधी सरकार है, ऐसा समझा नहीं था जैसा इन्होंने कर दिया। और सुनो, हमने तो मोदी का वोट दी थी कि मगा भाई कुछ करेंगे, पर हमें पता ना हमारी गले से धोखा करेंगे, अब तो समझ गए हम, अब ना बिगड़े कुछ भी हमारा, अब तो हम जरा करें ना, हम परजीवी, अब तो कीड़े मकोड़े के डाल हम रेंगते रहेंगे और आंदोलन को और तेज करेंगे इसे, अरे पंखे भी लगाऊंगे, हम कहाँ यहाँ जा रहे हैं, सूत्र जब इतने मर रहे हैं और मर जाएंगे। सरकार किसानों के विरोधी सरकार है,